अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ड्रामा सीरियल खुद परस्त के आज के एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि हनान बहुत परेशान है उस्वा की दी गई बेइज्जतियों की वजह से, क्योंकि उस्वा हर रोज उसे बेइज्जत करती है और ऐसा कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देती है जो हनान के लिए टेंशन का बायस बन जाता है। तो दूसरी तरफ उस्वा और अदील के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। उस्वा की बहन उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि अदील सही लड़का नहीं है, उसके दिल में कोट हैं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन उस्वा कहती हैं कि हर दफ़ा मैं ही क्यों कुर्बानी दूँ, हर दफ़ा मैं ही क्यों आग में जलूँ, मुझे भी तो खुशियाँ मिलनी चाहिए, मुझे भी खुशियाँ मिलने का हक है। तो उधर महविश बा भी बहुत परेशान है कि एक तरफ तो मुईज़ भाई ने उसे घर से निकाल दिया तो दूसरी तरफ उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम। महविश बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और आखिर वो पहुंच जाती हैं नाजिश के घर, जो मुईज़ की अनकरीब बीवी बनने वाली हैं। वो नाजिश को समझाती हैं कि खुदारा मुईज़ का पीछा छोड़ दो और उसकी एक बीवी है, उसकी एक बेटी है, उन्हें खुशहाल रहने दो। तो नाजिश उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाजिश को मुईज़ की दौलत चाहिए, उसकी नज़र मुईज़ की दौलत पर है। दूसरी तरफ उस वक्त उसकी अम्मी समझाती हैं कि अपने बच्चे का ख्याल करो, थोड़ा अपना ख्याल करो, क्यों इस आग में पैर डाल रही हो। लेकिन उस्वा कहती हैं कि मुझे अब किसी की नहीं सुननी, अब मैं जो चाहूँगी वही करूँगी। दूसरी तरफ मुईज़ लेकर आ जाता है नाजिश को और जब उसकी अम्मी उससे पूछती हैं कि ये कौन है तो मुईज़ उसका तारुफ करवाता है अपनी बेगम के खिताब से। वो कहता है ये मेरी बीवी है। तो उसकी अम्मी कहती है ये तुम्हारी बीवी कब बनी, तो कहता है हमने शादी कर ली है। और आखिरकार अब शुरू होने वाला है मुईज़ की अम्मी का सवाल, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया उस्वा के साथ, जो कुछ किया महविश के साथ, अब उनका मकाफात अमल के तौर पर उनसे बदला तो लेना जाना है ना। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।